अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह रब्बिल आलमीन व व सलातु वसलात वसलाम मोहम्मदिन ख़ातमिन नबीन व वसब अजमाईन अम्मा बाद नाजरीन कराम एक बार फिर मैं आपके सामने हुकूकुल इबाद के मौजू को लेकर के हाजिर हूँ इससे कबल के मजलिस में मुसलमानों के बाहमी हकूक़ के तल्ल से गुफ्तु चल रही थी मुसलमानों के बाहमी हकूक़ में से पहला हक है कि जब वह आपस में एक दूसरे से मिलें तो सलाम करें मैंने सलाम की अहमियत उसके मकाम और मरतबे और उसकी कैफियत के ताल्लुक से कुछ बातें ज़िक्र की थी सलाम की कैफियत के ताल्लुक़ से कि सलाम किस तरह किया जाएगा सही बुखारी की रिवायत भी हमारे लिए बिल्जो है जिसके अंदर ये ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व ताली ने हज़रत आदम अलातम को जब पैदा फरमाया तो पैदा करने के बाद उनसे कहा कि देखो वो फरिश्तों की जमात बैठी हुई है जा कर के उनसे सलाम करो और तुम्हारे सलाम के जवाब में जो कहेंगे यही तुम्हारे लिए और तुम्हारी बाद में आने वाली ज़रूरीत के लिए सलाम होगा हजरत आदम सलाम गए और उसके बाद में कहा अलैकुम फ़रिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम वरह गोया कि फरिश्तों हजरत आदम सला के जवाब में अलैकुम के साथ साथ वरमतुल्लि का इजाफ़ा कर दिया तो अलैकुम भी कह सकते हैं अलैकुम वरहमतुल्लाह भी कह सकते हैं अल्लाम व वरक़ भी कह सकते हैं यह है सलाम की कैफियत नाज़रीन सलाम ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है जैसा कि अल्लाह इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फ़रमाया व्लिलाज़ुलजब्बारतकबर सुबह वही वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं वो शहनशाह है तमाम आयों से पाक है सलामती देने वाला है इसी तरह अमन देने वाला है हफाजत करने वाला है ज़बरदस्त गालिब है और ऊँची शान वाला है अल्लाह तबारक वाली ने इस आयत करीमा के अंदर जो सूरतुल सूरतुल्हशर की है इस आयत के अंदर अपनी सिफात का तस्करा फरमाया है जिसमें से एक सिफत और एक नाम असलाम भी है नाजरीन इसी तरह हम देखें कि नमाज़ से फरागत के बाद जब हम दुआ शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अंतस सलाम अल्लांत सलम सलाम तबारकता यादल जलाक्राम ये दुआ पढ़ते हुए सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाह तो सलाम है और तुझसे हम सलामती की उम्मीद करते हैं तू बाबरकत है यादल जलालीकराम तो इस दुआ के अंदर भी सलाम अल्लाह इज़्ज़त का एक नाम और अल्लाह इज़्ज़त की एक सिफ़त बयान की गई है हज़रत अब्दुल्ला अरदील तार बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे तो जब तशहद के अंदर बैठते तो कहते जब्रील अल्लाम अला मिकाईल अल्लाह के नबी सल वसम एक दिन नमाज से फारग हुए तो आप हमारी जानब अपने चेहरे के साथ मुतवजे हुए तो आपने कहा इन्नल्लाह इलाम अल्लाह ये सलाम है लिहाजा जब तुम में से कोई नमाज के अंदर तशुद के लिए बैठे तो कहे अ तैया तो व तैयब वसलाम आल का अयोनबी रहा वबरक़ात व्लाम आलैना वाल इबादल अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अतहियात के अंदर तशहुद के अंदर तहियात के ये कलमात सिखलाए नमाज पढ़ने वालों को तो इन तमाम रिवायतों से ये बात मालूम होती है कि सलाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असमा में से नामों में से एक नाम है और इंसान जब अपने एक भाई से सलाम करता है तो गोया कि उसके लिए अमन व अमान और सलामती की दुआ करता है और उसके बाद में फिर उसका भाई जब जवाब देता है तो उसके बदले में उसके ऊपर भी वो सलामती और अमन अमान की दुआ करता है लिहाजा हमें इस तरीके को अपनाते हुए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं हमें सलाम करना चाहिए यही अल्लाह के रसूल सल्हल की सुन्नत है सलाम की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं हदरत सहैब रज़ी अल्लाह रावी हैं वो कहते हैं कि मरा तो मेरा सूल वही वसलम तो फ़रदा अल्लाह के नबी के पास से गुज़रा आप नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने आप पर सलाम पढ़ा तो आपने इशारे से सलाम का जवाब दिया और बाद रिवायतों के अंदर उसकी वजाहत है कि आप नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद में फिर हथेली के इशारे से तो आदमी अगर नीयत बाँधे हुई है तब भी हथेली के इशारे से या इसी तरीके से रुकू में है तब भी हथेली के इशारे से या इस तरीके से सजदे में है और मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला सलाम कर रहा है तो जबान से ना जवाब दे करके हाथ के इशारे से सलाम का जवाब वो दे सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा हमारे लिए एक नमूना है लिहाजा हमें लु� इस तरीके को अपना करके और उसके बाद में सलाम को समाज के अंदर रवाज देना चाहिए उसको आम करने की कोशिश करनी चाहिए नाजरीन बात चल रही थी सलाम की कैफियत की अब आइए देखें हम कि सलाम के आदाब क्या हैं सलाम के आदाब के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बतलाया है वो ये कि छोटा बड़े को सलाम करे गुजरने वाला बैठे हुए शख़्स को सलाम करे अगर आदमी अकेला है जमात है तो अकेला जमात को सलाम करे कोई आदमी सवारी पर सवार होकर के जा रहा है कोई पैदल जा रहा है तो सवारी वाला पैदल चलने वालों को सलाम करे कोई पैदल जा रहा है और कुछ लोग बैठे हैं तो पैदल जाने वाला बैठे हुए लोगों को सलाम करे ये अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें अदब और तरीक़ा बतलाया है सलाम के ताल्लुक से हदरत अबू हुरैरा हुर की रिवायत है वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सगीर कबीर वल काइदी वल अलकबीर वलमारलकादी वलकलीलक़ीर कि छोटा बड़े को सलाम करे गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करे और कम अफराद ये ज़्यादा लोगों को सलाम करें इसी तरह दूसरी रवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने कहा यूसल राकबमाशी सवार पैदल चलने वाले को वलमाशी अलकायद पैदल चलने वाला बैठे हुए शख्स को सलाम कहे वल कलील वलकलील कतीर और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम कहें यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतलाया है अगर इस तरीक़े के मुताबिक सलाम को रवाज़ दिया जाता है तो गोया कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं लेकिन नाजरीन इसके बरक्स भी अगर कोई आदमी अमल कर लेता है मिसाल के तौर पे कहा गया कि छोटा बड़े को पैदल चलने वाला बैठे हुए को सवार पैदल चलने वाले को अगर बड़ा छोटे को सलाम कर लेता है तभी कोई कबाहत की बात नहीं है हदरत अनसविन मालिकल्ला बयान करते हैं कि वो बच्चों के पास से गुजरे मर्रा अला सिबियान बिन मालिक अपने बारे में बयान कर रहे हैं कि मैं बच्चों के पास से गुजरा तो मैंने उनसे सलाम किया और उसके बाद में कहा काना रसूल या यलू अल्लाह के रसूल सल्हम इसी तरह करते थे गोया की हजरत अनस बिन मालिकों ने बच्चों से जो सलाम किया ये अल्लाह के रसूल वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आपके तौर और तरीक़े के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्हलम का भी ये तरीक़ा था कि अल्लाह केसम्म जब गुज़रते और बच्चे खेल रहे होते तो ऐसी सूरत में आप बच्चों को भी सलाम करते थे बच्चों से सलाम करना एक तो उनके ऊपर सलामती भेजना है और दूसरे जब बड़े बच्चों को सलाम करेंगे तो उनको अदब का तरीक़ा मालूम होगा उनको सलाम के आदाम मालूम होंगे इतना बड़ा शख्स हमसे बड़ा उम्र भी के अंदर बुजुर्ग आदमी हमसे सलाम कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम उनको सलाम करें लिहाजा उनके अंदर सलाम करने का जज्बा पैदा होगा तो एक तो अदब और तरीका मालूम होगा और दूसरे ये कि वो उस अमल को अंजाम देने की कोशिश करेंगे समाज के अंदर माशरे के अंदर और इस तरह सलाम को रवाज पकड़ने का एक मौका मिलेगा तो बड़े छोटे को भी सलाम कर सकते हैं अगर बैठा हुआ है पैदल चलने वाला जा रहा है सलाम नहीं करता है तो बैठा हुआ शख्स भी सलाम कर सकता है लेकिन इसके ताल्लुक से भी आज हमारे अंदर कोताही पाई जाती है बहुत सारे अफराद का ख्याल ये है और नज़रिया ये है कि अगर आदमी मालदार है तो सोचता है कि कोई गरीब आदमी अगर आ रहा है या इस तरीके से अगर कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है मालदार आदमी गुज़र रहा है तो उसको गरीब मस्किन समझ करके उससे सलाम नहीं करता है उसको कमतर समझता है ये नहीं होना चाहिए ये तरीका गलत है ना इसके अंदर मालदारी और ना ग़ुरबत का कोई दखल है और ना इसी तरीके से किसी और चीज़ का बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है इस्लामी तरीका इस्लाम ने हमको ये बतलाया है और हमें इस तरीके को समाज के अंदर रवास देना चाहिए पहली बात तो यह है कि आज सलाम नदारद है चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो चाहे गैर पढ़ा लिखा तबका हो इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं हो रही पढ़ा लिखा तबका है तब भी वो सलाम करने के लिए राजी नहीं और अगर गैर पढ़ा लिखा है वो मामला को जानता नहीं है तरीक़े को जानता नहीं है तो वो तो मजबूर है ही उसके बारे में उसे मसला मालूम ही नहीं है लिहाजा हमें सलाम के तौर और तरीके को सीख करके उसको अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलाम की कैफियत और जो सलाम का तरीका बतलाया है अदब बतलाया है उस अदब को सामने रख करके हमें सलाम करना चाहिए अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे नाजरीन हदरत अबू ऐब अनसारी रज़ी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला लाइयुरा फोकाल किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने भाई से तीन दिन से ज्यादा ताल्लुक करे तीन दिन से ज्यादा छोड़े उससे ज्यादा अगर बढ़े तो ऐसी सूरत में फिर ये तरीका एक मुसलमान के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है इसी तरह कहा कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े और उसके बाद में फिर यल तकिया ने आयर दोहादा बाद में फिर जब चौथे दिन मुलाकात होती है तो वह अपना चेहरा अलग फेर करके वो अपना चेहरा अलग फेर करके दोनों चले जाते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा कि यह एक मुसलमान आदमी के लिए एक मुसलमान मर्द या इस मुसलमान औरत के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है सही नहीं है खैरहमल अब्दुब उनमें सबसे बेहतर यह है जो सलाम करने में इब्तदा कर दे जल्दी कर दे अल्लाह के रसूल सल्ला ये मुबारक हदीस ये प्यारी हदीस हमें बतलाती है कि अगर हम दो भाइयों के अंदर किसी बात पर इख्लाफ हो जाए तो वो इख्तलाफ तीन दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद में फिर जब मिलें तो ऐसी सूरत में फिर हम सलाम और दुआ से अपने पहले जैसे मामले की तरह मामले को उसवार करने की कोशिश करें एराज एक दूसरे से सर को फिरा करके घुमा करके जाना ये इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इससे रोका और मना किया है इसी तरह हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कहा मामबा भी सलाम अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बेहतर वो है जो सलाम करने में इब्तदा करे सलाम करने में इब्तदा करे क्यों जब इब्तदा करेगा तो गोया कि वह नए काम करने में पहल कर रहा है और जो नेक काम करने में पहल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़्यादा सवाब से नवाजता है तो हमें सलाम करने में इब्तिदा करना चाहिए ये ना देखें कि हम बैठे हुए हैं या इस तरीके से खड़े हुए हैं या सवारी पर हैं या इस तरीके से हम पैदल चल रहे हैं और आने वाला सवारी पर आ रहा है वो हमको सलाम करे अगर नहीं करता है तो हमें चाहिए कि हम सलाम करने में जल्दी करके और उसके बाद में उसकी जो फजीलत है उसकी जो अज़मत है उसको हासिल करने की कोशिश करें सलाम के ताल्लुक से एक बात और हमें जहन में रखनी है वो ये कि अगर आदमी कहीं गुज़र रहा है औरतों की जमात बैठी हुई है और उनसे सलाम करने पर किसी फितने का कोई डर और खौफ नहीं है तो इसी सूरत में फिर हम उन औरतों से भी सलाम कर सकते हैं गुज़रते हुए असलमकुम और उसके बाद में फिर गुज़र जाएं। ना हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है ना उसकी तरफ निगाह करने की ज़रूरत है बस सिर्फ अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सलाम का जो तरीक़ा बतलाया, उस तरीक़े को अंजाम दे करके, ताकि हम उस सवाब को हासिल कर लें अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के बारे में आता है असमील्ला तहती हैं कि मर्रैलना नबी वाफिन अल्लाह के नबी व की जमात से गुजरे आप सल्हलम ने हम पर सलाम किया लेकिन महदसिन ने इस रिवायत को जहाँ पर ज़िक्र किया है वहीं पर ये बाप बात दिया है कि जब फितने का खौफ ना हो अमन हो सलाम करने से किसी किस्म का कोई फितना बरपा होने का डर ना हो तब ऐसी सूरत में लेकिन अगर सलाम करने में फितने का डर है तो हमें इससे बचना है और अपने आप को इस फितने से बचाना है जब फितने का डर ना हो तब ऐसी सूरत में फिर हम सलाम कर सकते हैं ये अमूमी बात रही लेकिन आदमी अगर अपने घर के अंदर दाखिल हो रहा है या इसी तरीके से अपने उन औरतों से मुलाकात कर रहा है जो मुहर्रमात के अंदर दाखिल हैं जिनसे शरीयत इस्लामिया ने निकाह करने को नाजायज़ करार दिया है हराम करार दिया है माँ है बहन है खाला है फूफी है बेटी है इसी तरीके से रज़ाई माँ है रजाई बहन है इन तमाम औरतों से अगर मुलाकात होती है तो ऐसी सूरत में फिर इनसे हम सलाम करेंगे उनसे सलाम करना जायज़ है शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि हम उनसे सलाम करें बल्कि अगर बेटी है या इस तरीके से बीवी है या तरीके से बहन है माँ है इनसे मुसाफा को भी शरीयत ने जायज़ करार दिया है जब इसकी की महरमा के अंदर शामिल है तो सलाम के साथ साथ मुसाफहा को भी शरीयत ने जायज़ करार दिया है अमूमी तौर तो पर अगर फितने का डर हो तो वहाँ पर सलाम नहीं करना चाहिए नाजरीन इसी तरह औरतों के सलाम के लिए एक वाज दलील जो हमें मिल रही है उम हानी बिनते अभी तालिब की वो कहती हैं जहाब तो अला रसुल्ला आमल फते ही फत्ह मक्का के साल में अल्लाह के रसूल सल्हस के पास गई फवजत तो हूँ या तहती है मैंने आपको गसल करते हुए पाया व फातिमा तो इबनत हो और आपकी बेटी फातिमा आपको परदा किए हुई थी वसलम तो है मैंने आपसे सलाम किया आपने कहा मन पकुल तोना उमानी आपने कहा कौन मैंने कहा उम हानी अभी तालिब आला मरहबम बिम हानी अल्लाह के रसूल ने कहा कि हानी को खुश आमदी दो बिनते अभी तालिब की रवायत भी इस जानब इशारा कर रही है कि जिस तरह मर्द औरत को सलाम कर सकता है ऐसे ही औरत मर्द को सलाम कर सकती है जब फितने का डर और खौफ ना हो इसी तरह इस हदीस से यह भी बात मालूम होती है कि आदमी जब गुस्ल कर रहा हो तो पर्दा करके गुस्ल करे ताकि उसके ऊपर किसी की निगाह ना पड़े पर्दा करके गुस्ल करना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आमल आज के समाज आज के माशरा के लिए एक बेहतरीन उसुआ है आज हमारे समाज और माशरे के अंदर क्या पाया जा रहा है हम देखते हैं कि हमारे नौजवान या इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई या उसके अलावा हमारे कौमी और भाई सुबह के वक्त जब गसल करने का मौका होता है तो पानी निकाल करके घर के बाहर और उसके बाद में कपड़ा उतार करके सिर्फ अंडरवियर या इसी तरीके से छोटा सा कपड़ा पहन करके है हाँ आम के ऊपर गसल करते हैं जो है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है एक तो बेपर्दगी है और दूसरे ये कि अगर खुदा खास्ता आप खूबसूरत हैं तो ऐसी सूरत में फिर दूसरे की नज़र बद भी आप पर लग सकती है और नज़र बद लगेगी तो ऐसी सूरत में फिर आप बीमारी के अंदर मुबतला हो सकते हैं इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतला दिया कि आदमी जब गुस्ल करे तो ऐसी सूरत में फिर तन्हाई में होकर के और उसके बाद पर्दा करके वजू करने की कोशिश करे और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है गुस्ल के ताल्लुक से मैं यही एक बात और बतौर ज्यादती के बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ बाज़ लोग इसके बारे में सवाल भी करते हैं कि अगर आदमी तन्हाई में गसल खाने में गसल कर रहा हो तो क्या वो कपड़ा उतार करके गसल कर सकता है या नहीं इमाम बुखारी ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सहीहैन के अंदर हज़रत मूसा अलीसलातसलीम के वाक़िए से दलील पकड़ते हुए इस बात को साबित किया है कि अगर आदमी तनहाई के अंदर है गसल खाने के अंदर गसल कर रहा है तो कपड़ा उतार करके गसल कर सकता है जायज़ है लेकिन बेहतर क्या है कि कपड़ा पहन करके क्यों इसलिए कि अगर इंसान नहीं देख रहा है तो अल्लाह हर बुरी इज़्ज़त क्या है उसको देख रहा है हदरत मूसली तस्लीम का वाक़ क्या है उसके बारे में इमाम मुस्लिम रह ने जिक्र किया है कि बनु इसराइल घर से बाहर तालाब के अंदर नंगे वसल किया करते थे कपड़े उतार करके और इकट्ठे सब मिल कर के एक साथ में अदरत मूसा असलातम भी जाते लेकिन लोगों से अलग बिल्कुल तन्हा तन्हाई में जा कर के कपड़ा उतारते और तट के ऊपर रख देते और फिर उस पानी के अंदर घुस करके दाखिल होकर के गसल करते थे इसराइल के लोगों ने कहा कि इनको कोई बीमारी है इसलिए हमारे साथ मिलकर के गसल नहीं करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से उस इल्ज़ाम को खत्म करना चाहा लिहाजा एक दिन बतौरे मोजसा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थर को हुक्म दिया हजरत मूसा आए कपड़ा उतारा और उतार करके जैसे ही पानी के अंदर दाखिल हुए गुस्ल करने लगे जिस पत्थर के ऊपर कपड़ा रखे हुए थे वो पत्थर लेकर के भागा है तो मूसा तो तस्रीम उसके पीछे दौड़े भी हजार सो भी हजार अरे पत्थर मेरा कपड़ा पत्थर मेरा कपड़ा है और वो पत्थर जाकर के कहा रुका जहां बनू इसराइल के लोग गुस्ल कर रहे थे अल्लाह चाहता क्या था कि ताकि बनु इसराइल जो मेरे नबी के ऊपर तहमत तराशी कर रहे हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको कोई बीमारी है उससे ये आगा हो जाए ऐ तो मूसा इसराम पहुंचे और उसके बाद ने फिर अपने कपड़े को लिया बनु इसराइल की निगाहें पड़ी तो खारे इनके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है और उसके बाद ने फिर उन्होंने कपड़ा लिया और पहना तो ये यानी है मसाद तस्लीम के तल्लु से सही बुखारीमसलम के अंदर ये रिवायत है आपकी गसल करने के बारे में इसी से इस्तेलाल किया है वह हदसी ने की जायज़ है लेकिन अवला और अफजल ये है कि आदमी जब गसल खाने के अंदर गसल करे तब भी कपड़ा पहन करके नहाए और गसल करे तो मैं कह रहा था सलाम के तल्ल से कि मर्द जिस तरह औरतों को सलाम कर सकता है इसी तरह औरतें भी मर्द को सलाम कर सकती हैं उम्मानी बिन तबी तालिब रदी अल्लाह तहा ने अल्लाह के रसूल को फ़तेह मक्का के साल सलाम किया वो गई और उसके बाद में सलाम किया और आपने जवाब दिया इसी तरह सलाम के आदम में से यह है कि अपने घर में इंसान जब दाखिल हो तब भी सलाम करें नहीं कि सिर्फ गैर के घर पर जाएगा तो सलाम करेगा अल्लाह हरब्ज़त ने क्या बयान फ़रमाया फ़ैदादा खल तुम व्यूतन फसल फसिकम जब तुम घरों के अंदर दाखिल हो तो घर के अंदर जो तुम्हारे घरवाले हैं उन पर सलाम करो तहत तमिन दिल्ला इज़्ज़त की तरफ से तहिया है और उसके बाद में फिर सलाम के आदाब में से एक अदब ये है कि आदमी जब घर के अंदर दाखिल हो तब सलाम करे घर से बाहर जाए तो सलाम करे इसी तरह किसी मजलिस के अंदर जा कर के बैठता है तो पहुँचने पर सलाम करे और उसके बाद में फिर वहाँ से उठ करके जब जाने लगे तब सलाम करे उठ करके जाए तब भी सलाम करे अदरत अबू हर रदील्लाहों की रवायत है वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने कहा कोई जब मजलिस में पहुँचे तो सलाम करे वहीदाकूमा फ़लसम और जब वहाँ से खड़ा होकर के जाना चाहे तब भी सलाम करे भले सतला बेहकमिन आखिर इसलिए कि पहला ये दूसरे से ज़्यादा बेहतर नहीं है जिस तरह पहले का स्वाब है इसी तरीके से दूसरे का स्वबाब है तो ये सलाम के आदाब में से हैं कि आदमी जब घर के अंदर दाखिल हो तब भी घर से निकले तब भी मजलिस के अंदर जाए तब भी वहाँ से उठ करके के जाने के लिए कोशिश करे और जाना चाहे तब भी सलाम करके जाए यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतलाया है और अदब बतलाया है नाजरीन अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है इन हम सलाम के आदाब ही के ताल्लुक से आपके सामने फिर हाज़िर होंगे असलमकुम वरह वर्का